दोस्तों भारत और श्रीलंका की टीम के बीच पहला T20 मैच अब से बस थोड़ी देर में शुरू होगा। तो ऐसे में दोस्तों जानते हैं कि इस मैच में भारत की पूरी टीम क्या होने वाली है और दोस्तों भारत का नया कप्तान किसको बना दिया गया है। इसके साथ साथ दोस्तों ये मुकाबला कब शुरू होगा और दोस्तों इस मैच को आप कहाँ पर देख पाएंगे, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जहाँ दोस्तों पहले बात कर ले भारत के नए कप्तान की, तो दोस्तों T20 का नया कप्तान अब सूर्य कुमार यादव को बना दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब भारत की T20 में कप्तानी सूर्य कुमार यादव ही करते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों वाइस कप्तान T20 में शुभमन गिल को बनाया गया है। इसके बाद यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, रियान पराग, विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और संजू सैमसन, इसके अलावा हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, खलील अहमद और मोहम्मद सिराज दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ भारत की टीम का हिस्सा होंगे। और दोस्तों हार्दिक पांड्या अब भारत की कप्तानी करते हुए नहीं दिखाई देंगे। अब दोस्तों इसके बाद बात कर ले भारत की वनडे टीम की कप्तानी कौन करेगा, तो दोस्तों भारत की वनडे टीम की कप्तानी रोहित शर्मा ही करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों वाइस कैप्टन शुभमन गिल को बना दिया गया है, यानी कि दोस्तों शुभमन गिल अब आने वाले समय में भारत की कप्तानी करते हुए भी दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अब दोनों फॉर्मेट में गौतम गंभीर की कोच बनते ही शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना दिया गया है। और इनके अलावा विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, रियान पराग, अक्षर पटेल, खलील अहमद और हर्षित राणा को दोस्तों भारत की वनडे टीम में जगह मिली है। जहां दोस्तों पूरी तरह खबर चल रही थी कि भारत की कप्तानी में बड़े बदलाव होंगे और दोस्तों T20 में तो हार्दिक पांड्या का नाम काफी आगे चल रहा था, लेकिन दोस्तों गंभीर के कोच बनते ही पूरी तरह हार्दिक पांड्या अब कप्तान की रेस से पूरी तरह बाहर हो चुके हैं। और दोस्तों सूर्य कुमार यादव अब दोस्तों भारत की T20 में पूरी तरह कप्तानी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अब बात कर ले भारत के आप सभी मुकाबले कहां पर देख पाएंगे, तो दोस्तों आपको भारत के ये सभी मुकाबले टीवी पे सोनी नेटवर्क पर दिखाई जाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों ये मुकाबले आपको फोन में सोनी लिव ऐप पर दिखाई जाएंगे। इसके साथ साथ जियो टीवी ऐप पर भी आप इस मुकाबले को देख पाएंगे। ऐसे में दोस्तों भारत और श्रीलंका का पहला T20 मुकाबला 27 जुलाई को खेला जाएगा शनिवार के दिन। और दोस्तों इस मुकाबले की टाइमिंग भारतीय समय अनुसार शाम के 7 बजे की रहेगी और ये मुकाबला पलेकाली क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत की टीम सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में श्रीलंका को धूल चटा पाएगी कि नहीं, आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं।